नीलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, केलांचल टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नैनी मिश्रा। जैसे कि आपको पता है कि बिहार में चुनाव चल रहे हैं, और ये भी पता है कि केलांचल टाइम्स की टीम लगातार इसी कोशिश में है कि आप तक सारी खबरें पहुंचा सके। इस बार जो चुनाव का पैटर्न है वो थोड़ा अलग है। इस बार ईवीएम के माध्यम से चुनाव हो रहे हैं, जैसे कि विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में हमने देखा है। तो ये सारी चीजों को लेकर के जनता क्या सोचती है, ये सब जानना बेहद जरूरी है। जो प्रत्याशी है वो क्या सोच रहे हैं, इसी क्रम में हमारी टीम पहुंची चोरहट पंचायत निर्वाचन क्षेत्र संख्या 3 से, जो मुखिया पद की प्रत्याशी है मंजू देवी। साथ ही मंजू देवी के प्रतिनिधि जुल्मी मंडल जी से बात हुई। क्या कुछ बात हुई है, आइए देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे केलांचल टाइम्स और मैं हूं नंदन झा। बिहार में गाँव की सरकार का समय है। 4 चरण का चुनाव समाप्त, 4 चरण का मतगणना समाप्त। रिजल्ट भ्रष्टाचारियों को नहीं बनाने देंगे गांव का सरकार। भ्रष्टाचारी कौन है ये किसी को नहीं पता, मतलब साफ है। काम करने वाले को ही इस बार सरकार बनाने का न्योता मिलेगा पंचायत में और गांव में। हमारी यात्रा, चुनावी यात्रा भागलपुर जिले के खरीक प्रखंड तक पहुंची है, जो कि 40 किलोमीटर की दूरी पर खरीक प्रखंड के चोरहर पंचायत में हम लोग हैं। चोरहर पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी मंजू देवी के प्रतिनिधि जुल्मी मंडल जी हमारे साथ हैं, जो अपने प्रचार के लिए निकल पड़े हैं। ये भीड़ है उनका और इनके ये समर्थक हैं। ये जाने हैं जुल्मी मंडल जी से, आखिर चुनाव लड़ने का क्यों किया फैसला। ऐसी की जिंदगी उत्तराखंड में जीने वाले जुल्मी मंडल, जो दिन रात एसी में बैठते हों वो ये कहां धूल मिट्टी में और ये कीचड़ में और पानी में आ गए हैं तैरने के लिए। सुने इनकी जुबानी, क्यों आ गए ये कीचड़ में? सबसे पहले पैर और खत गंदा हो गया। सबसे पहले मैं आज का युग जो है, मीडिया युग है, मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा। जो भ्रष्टाचारी लोग है उनकी आप आंखें खोल रहे हैं। जो हमारे गांव बुनियादी ढांचे मिलना चाहिए, बुनियादी व्यवस्था मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि 99% जो है आज के डेट में भ्रष्टाचार हो रही है। जो सरकारी व्यवस्था मिलना चाहिए वो हमारे समाज, हमारे जो युवा वर्ग है, ना एजुकेशन है, ना शिक्षा है, ना व्यवस्था है, ना रहने की घर दिया गया है, कुछ नहीं। इसको देखते हुए मैं एक कंपनी चलाता हूँ, मैं बजाज का वेंडर्स हूँ, होंडा का वेंडर्स हूँ, लेकिन हमें नहीं रहा गया। समाज का कहना है कि आप जैसे ईमानदार लोग आइए समाज के बीच में और हमारा प्रतिनिधित्व कीजिए और विकास कीजिए, हम लोग आपके साथ में हैं। चलिए, जुल्मी मंडल के को, उनकी माता जी मंजू देवी को जनता वोट क्यों देगी? क्या किया है इस पंचायत के लिए उन्होंने? सर, इस पंचायत के लिए मैंने बगैर जीते हुए मैंने एक रिंग बांध रोड बनवाया, कम से कम 5 लाख रुपए मैंने खर्च किया उसमें। उसके बाद कंबल दिया, लाइट दिया, उसके बाद जो भी व्यक्ति मृत्यु हो रही है, बुजुर्ग पुरुष हो महिला हो, उनको मेरे तरफ से 2000 रुपए दिया जाता है, जरूरतमंद लोग। यस सर। और बाकी जो बच्चों की शादी हो रही है, जो हमारी बच्ची है न्यू जनरेशन से, उनकी शादी में भी हेल्प किया जा रहा है हमारी तरफ से। चलिए, अगर जनता ने मौका दिया मंजू देवी को, तो मंजू देवी इस पंचायत के लिए क्या क्या काम करेंगे? 10 काम जनता जानना चाहती है। सर, मेरा जो पहला सपना है गांव को शहर बनाना है। गांव को शहर बनाना है पहला। दूसरा सपना है एजुकेशन विभाग में डेवलपमेंट करना है। तीसरा है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है। चौथा है कि जो बेरोजगार लोग घूम रहे हैं उनको रोजगार देना। चलिए, पांचवा है कि जो बुजुर्ग है, जो हमारे समाज में, हमारे जो इलाका है बहुत गरीब इलाका है, क्योंकि खाने की वजह से लोग मर जाते हैं, खाना नहीं मिल पाता भरपेट, उनके लिए वृद्धा आश्रम खोलना। चलिए, छठा है कि जो हमारी महिला सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारे समाज के लिए जो बिगड़े हुए लोग हैं उनसे बचाने के लिए हमारे समाज, हमारे बहू बेटी को इज्जत देना। चलिए, सातवां है कि हमारे जो बुनियादी ढांचा मिलना चाहिए, जो गवर्नमेंट की व्यवस्थाएं हैं उसमें घोटाला भर उसको रोकना। आठवां ये है कि सर, हम लोगों को जो स्वास्थ्य के ऊपर हमें फोकस करना है। जो युवा पीढ़ी है, युवा लोग हैं, उनको एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है, इसके वजह से उसको दुरुस्त करना। हॉस्पिटल नौवां सर, हॉस्पिटल को ठीक करना है ही, साथ में हमारे पंचायत को एम्बुलेंस भी देना है। चलिए, बहुत अच्छा। वो मैं अपने पैसे से एम्बुलेंस दूंगा, उस गवर्नमेंट पैसा नहीं चाहिए उसमें।
चलिए लास्ट लास्ट है सर, हम लोगों का सबका विश्वास, सबका साथ, सबका विकास। चलिए बहुत अच्छी बात, जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से मैं यही अपील करना चाहूंगा, इस बार हम लोग सरकार, गांव की सरकार, भ्रष्टाचार सरकार, सुरक्षा सरकार, महिलाओं की सुरक्षा, हर चीज में हम लोग सुधार करना है। गांव की सरकार, गांव के लोगों को बुनियादी ढांचा से जोड़कर उन्हें अच्छे गुणवत्तापूर्ण सुविधाएं देना हमारे इस गांव की सरकार की प्राथमिकता होगी। हमारे साथ ग्रामीण हैं, इनके प्रचारक हैं, इस पंचायत के जनता हैं, जो इस पंचायत का सरकार चुनेगी उनसे जाने। इस बार किनकी सरकार? आपकी सरकार कैसा बनेगी? आपका सरकार कैसा बनेगी? इंकलाब मंजू देवी जिंदाबाद, और पंचायत के जनता जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। क्या मंजू देवी काम करेगी? जरूर करेगी, जरूर मंजू देवी काम करेगी, मुखिया बनने से पहले से ही समाज से भी है। मैं सर लास्ट में एक चीज कहना चाहूंगा, सुवर्ण पंचायत भारत में नंबर वन पंचायत बनाना चाहूंगा, उसमें सबका जन जन की भागीदारी चाहिए। जय हिंद, जय पंचायत। पूरे भारत वर्ष में एक ऐसा पंचायत, एक ऐसा आदर्श पंचायत बनाने का काम करूंगा, जो जनता देखेगी, सोचेगी और विकास कैसे होता है ये करके दिखाना मेरा लक्ष्य। क्योंकि ये जहां रहते हैं उत्तराखंड में, वहां का विकास देखने को लायक होता है। उत्तराखंड का विकास उसी तरह से, उसी के तर्ज पे जैसे वहां गांव का विकास होता है, उसी के तर्ज पर चोरहर पंचायत का विकास करना एकमात्र लक्ष्य होगा। धन्यवाद। इस बार चोरहर की जनता किन्हें चुनेगी? चुनी भैया को चुनेगी, उनकी माता जी चुनाव लड़ रही हैं। मंजू देवी काम उन करेंगे? बिल्कुल करेगा, विश्वास है मेरे पे। बिल्कुल विकास करेगा, बिल्कुल विकास करेगा। अब की बार जुल्मी भाई काम करेंगे, मंजू देवी विकास करेगी, वोट दोगे तो वोट देंगे। तीन नंबर मंजू देवी। आज नारा लगा रहे कि वोटो दोगे? नहीं, वोट नहीं दे, आज नारा लगा। वोट देने के दिन किसी और के पास? नहीं नहीं, जुल्मी भैया के पास। सही बोलो यार, नहीं नहीं लग नहीं रहा तुमको? किसको वोट दीजिएगा? बोलिए जोर से, खाए ना है। जुल्मी मंडल को काम हम करेंगे, काम कर। किसको वोट दीजिएगा? मंजू देवी को काम करेंगे। हाँ, करेंगे। अभी तक काम किया कुछ? किसको वोट दीजिएगा? मंजू देवी को। किसको वोट? मंजू देवी। काम हम करेंगे, विश्वास है। आपकी बार किसकी सरकार होगी गाँव में? मंजू देवी का बनाएंगे, बनाएंगे, बना देंगे। वोट दीजिएगा ना, फाइनल 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 पलटिएगा ना ना। किसको वोट दीजिएगा? मंजू देवी।
को भैया ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो का सब्सक्राइब कर लो और हाँ घंटा का बटन जरूर दबाना तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो का ही कहते हैं जल्दी दबाओ।